हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे और ढेर सारी खुशियाँ मना रहे होंगे, क्योंकि आज है हैप्पी मकर संक्रांति। जी हाँ, मतलब 14 तारीख को ही मनाई जाती है हर जगह, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों 15 जनवरी को मनाई गई। तो फिर हमने भी सबके साथ में 15 जनवरी के साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इधर कब मनाई, 15 या 14 जनवरी को, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ अभी आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है 15 जनवरी को। तो माफ़ करना, थोड़ी बोली में पता नहीं क्या हो रहा है, जुकाम की वजह से। तो यहाँ अभी सुबह सुबह मैं ऊपर आ गई हूँ नहा धोवा के, क्योंकि मुझे अब लगना है किचन में, क्योंकि आज हमारे घर में बनने वाले हैं पकवान, यानी कि खींचड़ा। जी हाँ, सदियों से, मतलब कब से ही हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं इस चीज़ को और इस त्यौहार को, लेकिन अब बड़े होने के बाद ये जैसे जैसे ये चीज़ें सब भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो कोई बनाना भी नहीं जानता, नो कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं तो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है। तो यहाँ आज मैं सुबह सुबह जल्दी ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी और ऊपर का मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। जो भी मेरे रात के कपड़े रहते हैं नाइट के, बस वो मैंने धूप में दे दी। ऊपर का मैंने झाड़ू पोछा हाथों हाथ ही कर दिया, लेकिन दिखाया नहीं है। फिर आप बोलोगे रोज़ रोज़ वही झाड़ू पोछा दिखाती है और ये बड़ा सा झाड़ू लेकर आ जाती है। तो ये बड़ा मेरे पास वो वाला भी है, जो फैंसी झाड़ू है वो वाला भी है, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगता है और इससे मेरा काम फटाफट हो जाता है। तो इसी वजह से मैं बड़ा झाड़ू यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैं फटाफट निपटाने का कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर पापा जी और मामा जी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मतलब धूप सेक रहे हैं, और हस्बैंड जी अपनी दुकान सेट करने में लगे हैं। और अभी ये सब काम करते करते मुझे 9 बज गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने किचन में। जी हाँ, महिला की सबसे मोस्ट फेवरेट जगह, और ये हमारे 2024 का कैलेंडर आया है। हम पतिदेव जी बोल रहे हैं कि अंदर रख दे इसको, अभी मैंने उसको अबे ऐसे ही पटक दिया है, कहीं भी देखूंगी फिर कहाँ रखना है। और यहाँ पर किचन का हाल बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जब सुबह सुबह सबको चाय दूध करी थी तो ऐसा ही छोड़ के मैं अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि पापा जी और मामा जी उठ के चले गए थे बाहर और बच्चे उठे नहीं थे। तो मैं उससे पहले ही नहा ली थी आज, क्योंकि बस वही है ना कि मुझे सब काम फटाफट करना है। और यहाँ पर 2 लीटर दूध मंगाया है मैंने, तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे यहाँ का खींचड़ा, गेहूँ का खींचड़ा। ये रेडीमेड खींचड़ा लाए थे पतिदेव जी, रात को मंगा दिया था मैंने 1/2 किलो। तो मैंने 1/2 किलो में से भी आधा ही इसको रात को जब मैं सो रही थी समथिंग 10 बजे, तो इसको गला दिया था अच्छे पानी में, अच्छे से 2-3 बार धो के फिर गलाया था, और ये अच्छे से गल गया है। अब अच्छे से तो क्या, मतलब बहुत टाइम लगता है इसको पकने में, बहुत ज़्यादा, समथिंग 1-1.5 घंटा मान ही लो आप। इसको सुबह मॉर्निंग में हमें सीटी लगानी रहती है कुकर में, तो मैंने वो खींचड़ा डाल दिया और पानी डाल दिया 2 लोटा, और बस यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है कुकर का, वो बनता रहेगा तब तक। यहाँ पर थोड़े बहुत, मतलब हमारे यहाँ तिल के लड्डू, तिल की बर्फ़ी, मूंगफली की बर्फ़ी, बहुत कुछ बनाई जाती है, लेकिन मुझे आज इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पापा जी और मामा जी भी है तो खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हालाँकि बाद में वो चले गए थे बिना खाए, मुझे नहीं पता था कि वो चले जाएँगे, तो उनके चक्कर में मैं बहुत फास्ट काम कर रही थी, लेकिन वो चले गए थे। तो यहाँ पर सोचा कि चलो जल्दी मैं तो तिल के लड्डू ही बना देती हूँ, यही फटाफट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तिल लिए थे, तो बस वो सेक लिए हैं थोड़े, और उसके बाद में 1 कटोरी मैंने गुड़ को काट के यहाँ डाल दिया है, और थोड़ा सा घी रखा था कढ़ाई में ताकि ये गुड़ अच्छे से पिघल जाए, और बस गुड़ को अच्छे से चला लेना है। ये चीज़ें तो सब घर में बनती ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। खिचड़ा किस किस के घर में बनता है मकर संक्रांति के दिन, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। डायरेक्ट कढ़ाई से लेकर ही मैं तिल के लड्डू बनाने लग गई, सोचा बर्तन कौन गंदे करे, कढ़ाई से ही ले लूँगी। वैसे भी ये पेस्ट ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बस घी लेकर हाथों में और आराम से लड्डू बन गए हैं, और बहुत अच्छे भी बने थे, मतलब फटाफट वाले बोल सकते हो आप। मुझे टाइम नहीं था, बाकी मैं मूँगफली की बर्फ़ी भी जमाने वाली थी, सोचा था 1-2 दिन पहले ही सोच लिया था कि हाँ बनाऊँगी, लेकिन टाइम पता ही नहीं चलता है कब निकल जाता है बच्चों के साथ। तो ये देखिए हमारे लड्डू हो गए हैं रेडी, और इधर कमरे में पतिदेव जी चिल्लाने लगे ये सामान रखो ऊपर, क्योंकि वो उनकी जब दुकान की काम करते हैं तो ये कार्टून जो खाली होते हैं वो बस अंदर रूम में फेंकने का काम करते हैं। तो बस वो काम निपटाया, उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक बार खिचड़ा चेक किया था,
एक बार पहले कर लिया था 6 सिटी आने के बाद में, और अब वापस से कर रही हूँ 2-3 सिटी आने के बाद में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी ये नहीं बना है, तो मैं वापस से इसको ढक्कन लगा के फिर से पकने दूंगी 2-3 सिटी आने के लिए, क्योंकि ये गेहूँ है तो गेहूँ तो ओबियसली अच्छे से पकेंगे तभी हमारा खिचड़ा अच्छा लगेगा। तो आप किस तरह से बनाते हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर साथ ही में मैं बना रही हूँ कड़ी, मतलब बिना लहसुन प्याज वाली, बस मिर्ची की, और डायरेक्ट शॉर्टकट ही बनाऊंगी। मुझे है ना इसे इजी लगता है कि बस फटाफट छोक लगा दो मिर्ची का, हरी मिर्च और राई जीरा हींग का, और बस अपने बेसन और छाछ में गोल बनाकर डाल दो। तो मुझे यही वाली इजी लगती है तो मैं वही बनाती हूँ, और है ना खिचड़े के साथ वो टेस्टी भी लगती है। मैंने पापा जी और मामा जी के लिए बनाए थे ये सब चीज़ें, लेकिन ये देखिए जैसे ही वो सब तैयार होने आई थे कि पापा जी बोलने लगे नहीं मैं तो जा रहा हूँ मुझे जाना है, मैंने उनको बहुत रोका, नहीं पापा आप खिचड़ा खा कर ही जाओ, लेकिन नहीं रुके वो, उनका मन हो गया कि बस जाना है तो जाना है, वो बोल रहे बस एक रात रुक लिए चलना है अब, तो बहुत मनाने के बाद भी वो नहीं रुके। और ये देखिए हमारा चेरी बाबू इतना रो रहा है उनके साथ जाने के लिए, दादाजी के साथ जाने के लिए, मतलब बहुत समझाने पर भी ये नहीं समझाता, इतना रोया था ये, बहुत ज़्यादा रोया था, लेकिन पापा जी भी देखो मानने वाले नहीं है, बच्चे बहुत जिद्दी करते हैं दादाजी के साथ जाने की, बहुत रो रहा है, उसके पापा उसको ध्यान भटकाने में लगे, पापा जी चले गए, बहुत रोका उनको कि आप ये खा के जाओ खिचड़ा, पर नहीं रुके वो, चलिए। और चेरी को जैसे तैसे समझा रहे हैं उसके पापा, फिर आ गए हमें अपने किचन में, क्योंकि मुझे सबसे मेन चीज़ बस मेरा खिचड़ा अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि यही खिचड़े का ही हमारे इधर त्यौहार माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर 2-3 सिटी लगाने के बाद मुझे लगा कि हाँ अच्छे बन गए हैं, लेकिन उसके बाद में जो मैंने 2 लीटर दूध था वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था साइड में, और बस अब इसमें डाल देंगे दूध, और दूध के साथ भी इसको कम से कम 40 से 50 मिनट पकाना है। जी हाँ, आप सोचोगे इतनी देर, जी हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था कि 2 घंटे तो लगेंगे। और साथ में मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए जो मैंने इसको कट करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं निला देती हूँ चेरी को, क्योंकि उसको भेजना है आंगनवाड़ी। लादी, ओ वो देखिए गुज्जू, ओ नया कपड़े, नए कपड़े दिखाओ, तो नए कपड़े दिखाओ, आ रही हूँ आंगनवाड़ी चेरी को छोड़ने बाइक मेरी स्कूटी से, यहाँ पर मैं इसका काम आज करके चले जाऊंगी, वैसे भी इसका कुछ नहीं होने वाला है अभी तक तो। हालांकि मैं तो नहीं जाती, लेकिन मुझे स्कूल में कुछ काम है मेरे डॉक्यूमेंट का, तो बस वही लेके जा रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरे कुछ कार्ड वार्ड बनवाना है तो स्कूल में ही बनेंगे, तो बस वही लेके जा रही हूँ मैं। मतलब अभी गांव से आने के बाद ये फर्स्ट बार जा रहा है आंगनवाड़ी, फर्स्ट या सेकेंड बार जा रहा है, पहले जाता था ये, लेकिन अभी बीच में छूट गया था, तो अब इसको अच्छा लगता है वहाँ जाना, मतलब वहाँ क्या स्पेस, ये देखिए आंगनवाड़ी पहुँच भी है और सबसे पहले आया है, मतलब रोता है आने के लिए, ये मैम बोल रहे हैं कि बच्चे आए ही नहीं अभी तो कोई बात नहीं आप इसको छोड़ के चले जाओ, ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर खेला करेगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैम है ना इसके साथ खेला करता है, ये चेरी बहुत अच्छे से खेलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मैम अच्छे से रख लेते हैं इसको। चुस्का लगाए कि वो बाय भी नहीं कर रहा है मेरे से, और मैं यहाँ पर सर से मिलने आई थी लेकिन सर ही नहीं मिले, चलिए चलते हैं घर। मौसम अच्छा नहीं है इस वजह से लड्डू को रख रही हूँ मैं डिब्बे में, क्योंकि वही ये पता नहीं फिर खाने में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसी वजह से बस रख देते हैं इनको डिब्बे में, जब खाने होंगे तब निकाल देंगे। और भोग लगाने के लिए मैंने साइड में रख दिए हैं, तो चलिए हमारे लड्डू तो हो गए हैं रेडी, अब देखते हैं खिचड़े का क्या हालचाल है। स्कूल गई थी मैं इसको छोड़ने के लिए चेरी को, तो ऐसे ही कम आँच कर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि ये लगने वाला था नहीं, मुझे पता है बिल्कुल कम आँच पर चली गई थी। उसके बाद आकर मैंने उसको खूब पकाया है, उसके बाद में मैंने इसमें डाली है चीनी, और जो मेरे ड्राई फ्रूट थे वो बस मैंने कट करके रख लिए हैं, थोड़ा सा नारियल मैंने घिसा है, थोड़े से कि मैंने चिटके करी है, क्योंकि जब ये मुंह में आती है ना खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे ऐसे मानना है। और आप किस तरह से बनाते हो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। गाँव में हालांकि मम्मी है ना चूल्हे पर बनाती है, क्योंकि बोलती है कि बहुत टाइम लगेगा तो गैस पर इतनी देर खड़ा कौन रहेगा, तो मम्मी है ना गाँव में चूल्हे पर बनाती है, लेकिन अब यहाँ पर कहाँ से लाऊँ मैं चूल्हा, बाकी चूल्हे का टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है।
हालांकि इसका टेस्ट भी अच्छा था लेकिन उसका मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए हमारा घी जुगाड़ वाला जो मैंने कल परसों बनाया था ना जले हुए घी में, ये वाला नॉर्मल घी डाल के तो बहुत अच्छा हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, अगर आप भी ऐसे घर में मिस्टेक कभी घी जल जाए ना तो उसके साथ में ऐसा ही करना जो मैंने कल परसों किया था। नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना, कल परसों वाला ही है। और बस यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने, थोड़ा सा घी डाल दिया, इलायची डाल दी, बस उसको हो गया है हमारा खिचड़ा रेडी। तो चलते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि आज का त्यौहार ही भगवान जी को भोग से ही शुरू होता है। अभी किसी ने कुछ नहीं चखा ना कुछ खाया है, तो बस सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं भोग। और यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर ही दी थी सुबह, क्योंकि बस फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो सुबह ही कर देती मैं। कभी कभी है ना मैं वीडियो में सुबह शाम का दिया बत्ती नहीं दिखाती हूँ तो मुझे कमेंट आते हैं कि आप डेली नहीं करते हो, कि ऐसा नहीं है डियर, सुबह हम अपने कामों में बिज़ी होते हैं तो कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे पतिदेव जी कर देते हैं। मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं आज काम में बिज़ी हूँ तो आप कर दो, तो ऐसा होता है, तो इस वजह से मैं शूट नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैं अब आ जाती हूँ नीचे वापस से, मैं खिचड़ा हो गया है थोड़ा ठंडा, ठंडा होने के बाद थोड़ा और ये ड्राई होगा तो बस दुकान में दे देते हैं, क्योंकि ये ना त्यौहार मतलब मिलने जुलने वाले को, अपने रिश्तेदार अपने पहचान वाले को या फिर आस पड़ोस वाले को मिलजुल कर मनाया जाता है त्यौहार। एक दूसरे के घर पर जाते हैं खाने के लिए, अपने घर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर मेरा जानने पहचानने वाला इतना कोई है नहीं क्लोज, तो जो है हमारे दुकान में वर्कर ही है। इन्हीं के साथ हम सब त्यौहार मनाते हैं, दीपावली हुई, कुछ भी हुआ, जो भी हमारे घर में मिठाई बनती है तो बस इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं और यहीं इन्हीं के साथ हम सेलिब्रेशन कर लेते हैं कुछ भी त्यौहार हो। हालांकि इस त्यौहार को तो मतलब बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि बस वही एक सबके पास फ़ोन आ गया तो कोई खेलना पसंद नहीं निकलता। लेकिन जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि पूरा पूरा दिन इस दिन को घर नहीं आते थे, बस पूरा दिन पतंग उड़ाना और गुल्ली डंडे खेलना और इसके घर जाना उसके घर जाना, और हमारे घर भी बहुत मेहमान आते थे, लेकिन अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, बस कुछ कुछ रह गया है। ये अपने लिए, आ जाइए आप भी। अच्छा लग रहा है बेटू? अच्छा लग रहा है? चक्के बताइए। ये देखिए ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है थिक थोड़ा, और इसको ना ठंडा होने के बाद कड़ी के साथ खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जिसको मीठा पसंद हो वो मीठा भी खा सकता है। और हमारे एक शिव सागर भैया है हमारे सब्सक्राइबर, जो मतलब भारत के बाहर से देखते हैं वीडियो मतलब, तो उनको मीठा बहुत पसंद है, तो वो मुझे लगता है कि कमेंट ज़रूर करेंगे, तो आप आ जाइए प्लीज़ भैया खाने के लिए, बहुत ही टाइम से मेरा वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, थैंक यू वेरी मच शिव सागर भैया। अब कर लेते हैं किचन को फटाफट क्लीन, फिर मुझे जाना है क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड इशू चल रहा है वो मुझे सही करवाने जाना है, तो बस वही है कि घर पूरा क्लीन करके ही मैं जाऊं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा दही जमा दिया है, क्योंकि दही ख़त्म हो गया है जो बचा था, उससे मैंने कढ़ी बना ली है। और दही या छाछ मैं नहीं लाती हूँ खरीद कर, बस जो भी है मैं घर पर ही बना लेती हूँ। और जो ये कुकर है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना मीठा मतलब दूध का गाढ़ा हो के खिचड़ा बना था, तो खिचड़ी भी बोलते हैं। और मुझे एक दो कमेंट भी आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट, मुझे ऐसा नहीं है कि बुरे लगते हैं। एक बोलता है, एक हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर जो बोलती है कि आपका दीदी होम टूर दो, और एक प्यारी सब्सक्राइबर एक और है जो बोलती है कि सिलाई के वीडियो डालो। तो मैं आप दोनों को बता दूं कि मैं अभी इतनी बिजी हूं और इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कि शायद मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का वीडियो बनाना छोड़ चुका होता। फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियो भी बनाती हूँ, उनको एडिट करने का भी टाइम लगता है, फिर प्लस जो मेरा प्रॉब्लम इशू चल रहा है उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ होम टूर दे पाऊँ या फिर सिलाई कर पाऊँ, तो सॉरी डियर, बट जब कभी भी मुझे लगेगा कि हाँ अब टाइम है तो मैं होम टूर भी दूंगी, और सिलाई तो क्या है बस करते ही रहेंगे थोड़े दिन बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी, तो क्योंकि मेरा एक बार जो इशू चल रहा है वो सॉल्व हो जाए उसके बाद मेरा माइंड भी सेट हो जाएगा। तो बस प्लीज़ आप सब दुआ करिए कि मेरा जो इशू है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि मेरे पैन कार्ड की बहुत दिक्कत आ रही है। तो बस ये काम हो गया है किचन का, उसके बाद में रह जाता है मेरा बस फाइनल काम, किट्टू को नहलाना और इसको स्कूल के लिए रेडी करना, बस ये फटाफट फिनिश करने के बाद में चली गई थी जहाँ मुझे पैन कार्ड सही करवाना था, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो रहा है जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ तो दो तीन जगह पूछ लिया है, यहाँ सब ने मना कर दिया, तो मुझे जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर दूर। तो मैं चेरी को लेकर गई थी स्कूटी से, जी हाँ, तो वहाँ कोई शूट नहीं किया मैंने क्योंकि चेरी मेरे साथ था और गाड़ी भी मुझे ही चलानी थी। तो बस
प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन भैया ने बोला है कि पैन कार्ड बन जाएगा, तो देखते हैं अब कब तक कुछ हो। और बस यहाँ किट को रेडी करने के बाद में मैं चली गई थी, खुद भी रेडी हुई थी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि माइंड वही है कि सेट नहीं है पूरा अच्छी तरीके से। तो आज का हमारा कैसा क्या लगा आपको वीडियो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। पहली बार कोई चैनल पर आया है तो प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जिसने नहीं किया है तो बस यहाँ के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को, और हैप्पी मकर संक्रांति।